हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष बाजपेई और आज हम यहाँ पे गाइस न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम द चैप्टर प्रोबेबिलिटी देखने जा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी में भी मैं टॉपिक वाइज इसको डिवाइड कर रहा हूँ गाइस इन प्रॉब्लम्स को। तो पहले हम लोग क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के 5 प्रॉब्लम्स आज देखेंगे, जैसे कि आपने PNC के प्रॉब्लम्स देखा होगा तो उसी तरीके के क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो कि नए पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए उनकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। एंड आई विल सजेस्ट कि आप पूरा वीडियो देखो क्योंकि काफ़ी चीज़ें आप सीखने वाले हो, क्योंकि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि जो सिंगल करेक्ट चॉइस क्वेश्चन होते हैं गाइस, वो भी जो है आपके इन्हीं टाइप के क्वेश्चन से बनते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्योंकि सब्जेक्टिव पैटर्न में क्वेश्चन होने वाले, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस की और ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको आंसर दिया नहीं रहेगा तो आपको खुद से ही निकालना पड़ेगा। तो वो आपकी रैंक को बहुत अच्छा बूस्ट करेगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज़ करने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज चूजन फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस व्हिच आर अनचेंज्ड बाय स्क्वायरिंग देयर रूट्स। द चांस दैट द चूजन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स इज m बाय n, देन n माइनस m इज। तो देखो गाइज, तो सबसे पहले देखो ये दो टॉपिक से मिलके क्वेश्चन बना, एक तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और दूसरा इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक का भी यूज़ हो रहा है। तो आई विल सजेस्ट कि आप पहले खुद से करने की कोशिश करो एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या नेटिग्रिटीज़ हैं, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है इसको करने में। तो समझते हैं पहले लैंग्वेज। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज चूजन फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच आर अनचेंज्ड बाय स्क्वायरिंग देयर रूट्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं, दैट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जिसमें कंडीशन आप जानते हो कि a जो है वो जीरो नहीं होता है, ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता ही है। अब इसके रूट्स जो मैंने अज्यूम किए हैं वो हैं अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको बनानी है जिसके रूट्स इसके स्क्वायर हों और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर भी सेम रहे, ठीक है, ऐसे हमें चाहिए। तो गाइज हाउ दिस इज पॉसिबल, अब हमें ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हो। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझको लिखनी है जिसके रूट्स क्या हो गाइज, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अब देखो, एक तो जो सम ऑफ द रूट्स होगा यहाँ पर दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा दैट इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आपको यहाँ से बात तो पता ही है कि अल्फा प्लस बीटा जो है दैट इज माइनस बी बाई ए, और जो अल्फा बीटा है वो सी बाई ए। तो मैं छोटा छोटा लिख दिया है जिन स्टूडेंट्स को इसमें भी प्रॉब्लम हो, हालांकि होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। अब जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है उसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, है सबको ही पता है। एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज बेसिकली अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बाई बी ए, तो यानी वो हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू सी बाई ए। अब एलसीएम में अगर ले लूँ तो यहाँ पे जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा दैट इज बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, ये सम ऑफ द रूट्स है, एस है नई इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो बहुत ही आसान है दैट इज सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो अब हम ऐसी इक्वेशन यहाँ पर लिखने जा रहे हैं जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। देखो ये अपने आप में ही अगर आप इसको सीखते हो तो एक तरीके से आप क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हो गाइस, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर लिखो क्या, नहीं ए एक्स स्क्वायर नहीं लिखा जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आप लिखो एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे माइनस सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, क्या लिखोगे गाइस सम ऑफ द रूट्स, देन प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो माइनस एस एक्स, तो वो क्या है यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे ए स्क्वायर से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, समझ में आ ही गया होगा, यहाँ से मैं अब ए स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कट जाएगा। तो ये अब यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप चाहते हो
कि ये दोनों अब इक्वेशन सेम हो, क्योंकि देखो क्या लिखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज चूजन फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विच आर अनचेंज्ड बाय स्क्वायरिंग द रूट्स। यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ये क्वाड्रेटिक, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, इसके रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा, लेकिन ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन अनचेंज्ड हैं। कब अनचेंज होंगे? जब इनके जो रेशियो, इनके जो एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट है, एक्स के कोफिशियंट है कांस्टेंट, वो सेम हो, तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम होगा। यानी कि यहाँ से एक हमें बात पता चलती है कि ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक ये इक्वेशन हमें बनने जा रही। दूसरी इक्वेशन जो बनने जा रही, दैट इज बी स्क्वायर माइनस टू ए सी इज इक्वल टू माइनस बी, है ना, माइनस ऑफ दिस इज इक्वल टू प्लस बी, माइनस मैंने उधर भेज दिया। और दूसरा सी और सी स्क्वायर, ये जो है ये बराबर होगा। तो ये तीन इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग पता कर लेंगे कि कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, फिर उसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी हैं जिनके रूट्स जो है सेम है। तो अब यहाँ पे देखो ए जीरो तो हो नहीं सकता, तो इसलिए मैं इसको कट कर दूँ, अगर तो ए की वैल्यू वन हो जाएगी, ठीक है, ए की वैल्यू वन निकल आए। लेकिन सी जीरो हो सकता है, इसलिए सी की यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगे, एक तो सी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, तो सी इंटू सी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि सी की वैल्यू जीरो हो सकती है या फिर वन, ठीक है, और लिख दो यहाँ पर और वन, ठीक है। तो ए की वैल्यू तो वन है पक्का, लेकिन सी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है और वन भी हो सकती है। अब इसकी मदद से गाइस वी विल हैव टू फाइंड आउट बी की वैल्यू। एक बार ए बी सी पता चल गया तो हमें सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पता चल जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यू रखो गाइस। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, क्योंकि इस बार क्वेश्चंस कम हो गए हैं, तो आप देखोगे कि पेपर में क्वेश्चंस के लेवल थोड़े हाई होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हालांकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस क्या कई केसेस बनते हैं उनको आपको सॉल्व करना होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ए को वन रख दो यहाँ पर, तो बी स्क्वायर माइनस टू सी इज इक्वल टू माइनस बी। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार सी को जीरो रख देता हूँ, क्योंकि सी वन भी हो सकता है और सी जीरो भी हो सकता है, तो आसान है कि यहाँ पे सी को जीरो रख दो। अब सी को जब जीरो रखोगे तो दिस विल बिकम बी स्क्वायर माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस बी, तो मैं इसको इधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या आ रही, देखो एक तो बी आ रही बी इंटू बी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि बी की दो वैल्यू आ रही, एक तो बी इज इक्वल टू जीरो और दूसरा बी इज इक्वल टू माइनस वन, यही तो होगा, है ना, यहाँ जीरो रख दिया एंड ये आया। तो बी की एक वैल्यू आ रही जीरो, दूसरी बी की वैल्यू आ रही माइनस वन। अब नेक्स्ट क्या है, सी को वन रख दो तो बी स्क्वायर माइनस, इसको तो वन रखना ही अपने को, बी स्क्वायर माइनस टू और प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ये एक आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज बी स्क्वायर प्लस बी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस टू बी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो b कॉमन ले लो, तो b प्लस टू माइनस वन, बी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो b की दो वैल्यू आई, b इज इक्वल टू वन एंड b इज इक्वल टू माइनस टू, समझ में आया। यहाँ c पे जीरो रखा था तो ये आ गया b इज इक्वल टू जीरो, b इज इक्वल टू माइनस वन, यहाँ पे b इज इक्वल टू वन एंड b इज इक्वल टू माइनस टू। तो अब इनके हेल्प से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखेंगे, ठीक है। तो वैल्यूज़ मैं इधर लिख रख देता हूँ, फिर मैं इसे जो है, ए की वैल्यू वन है, सी की वैल्यू जीरो है और वन है, और बी की वैल्यू जो आ रही है दैट इज़ जीरो एंड माइनस वन, जब सी के करस्पॉन्डिंग, सी जब हमने जीरो रखा था तब ये लेना है, ठीक है। दूसरा बी इज इक्वल टू वन और माइनस टू, कब, जब सी को हमने वन रखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ए तो हमेशा वन है, तो सी जीरो के करस्पॉन्डिंग दो इक्वेशन, सी इज इक्वल टू वन के करस्पॉन्डिंग दो इक्वेशन, तो टोटल फोर इक्वेशंस आ रही हैं, नहीं खुद से देखो मैं बना ही देता हूँ। अब एक बार जब बी भी जीरो और सी भी जीरो, तो पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी जो आई वो एक्स स्क्वायर आ रही, केवल दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। दूसरा देखो, जब ए वन है तो यानी कि एक्स स्क्वायर, बी को हम लोग रखते हैं माइनस वन, सो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब बी को वन रखेंगे,
यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ये तीसरी है। चौथी कब होगी, जब माइनस टू रखोगे आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखो यहाँ पे चार क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो m बाय n में फोर नीचे होगा टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें किन में रूट सेम है, आप क्लियरली देखो इसके रूट्स जो है x इक्वल टू ज़ीरो कॉमा जीरो है, इसके रूट्स तो सेम नहीं है। तो ये एक केस हुआ यहाँ से, इसके भी रूट्स सेम नहीं है, इसके तो रूट ही रियल नहीं है, इसके सेम है बिकॉज दिस इज x माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू 1.1 है, ठीक है। तो यानी कि दो ऐसे हैं, कभी भी इस तरीके की चीज़ पूछी जाए तो इनको लोवेस्ट टर्म में आप कर दो, तो दैट इज़ 1/2, ठीक है, 2/4 जब भी बोलें कि m बाई n, ठीक है, m बाई n, तो फिर हमसे क्या पूछा, n माइनस m यानी कि 2-1, तो 1 आया, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन या इंटीजर टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं गाइस, तो आंसर आपका यहाँ पर जो आ रहा है दैट इज 1। सो लेट्स डू नाउ सेकेंड प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पॉजिटिव टू डिजिट नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम हैज इट्स टेंस डिजिट एट लीस्ट थ्री मोर दैन द यूनिट्स डिजिट इज m इज टू वन, m इज टू n, देन n माइनस थ्री m इज, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लगने वाली है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं कि दो डिजिट का नंबर है और उसकी जो टेंस डिजिट है वो एटलीस्ट थ्री मोर देन है यूनिट डिजिट। तो ये समझो आप, तो यहाँ पर ये दो डिजिट हमारे पास है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि यहाँ जीरो तो आप रख नहीं सकते हो ना, नहीं तो फिर वो सिंगल डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर कि यहाँ पे नाइन डिजिट आप रख सकते हो, वन रख सकते हो, टू रख सकते हो, थ्री रख सकते हो ना, ऐसे नाइन तक। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारी यूनिट डिजिट है तो उसमें आप जीरो रख सकते हो, तो यहाँ पे टेन तरीके से हम लोग इसको फिल कर सकते हैं। तो टोटल अगर हम लोग सैम्पल स्पेस के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो बना सकते हैं हम लोग दैट इज़ 90, है ना, ये तो सबको ही पता है। तो यहाँ पर वो m इज टू n में लिखना है हमको, तो ये n जो आ रहा है दैट इज़ 90। अब देखो क्या है, अब सेकेंड कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए द प्रोबेबिलिटी दैट अ पॉजिटिव टू डिजिट नंबर सेलेक्टेड हैज़ 10 डिजिट जो है वो बड़ी होनी चाहिए यूनिट डिजिट से, और कितने से बड़ी होनी चाहिए, कम से कम 3 से। तो देखो अब आप इसका मतलब ये समझो कि 1 तो आप रख नहीं सकते हो, इसमें आपके जो टेंस डिजिट का नंबर है इसमें आप 1 नहीं रख सकते हो, क्योंकि 1 रखोगे तो इधर आप जो इससे छोटी डिजिट रख सकते हो 0, जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे 1-0 तो 1 ही आएगा, आना क्या चाहिए, कम से कम 3 आना चाहिए, तो इसका मतलब 2 भी नहीं रख सकते हो, तो क्या रख सकते हो, सबसे मिनिमम 3, है ना। तो पहला केस जो यहाँ पर बनता है दैट इज़ कि हम लोग 3 जब रखेंगे, कहाँ पर, टेंस डिजिट पर जब 3 रखेंगे तो यूनिट डिजिट्स पर हमें हम केवल 0 रख सकते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आई, तो एक केस बनता है। तो इस तरीके से जब हम 4 रखेंगे तो यहाँ पे हम लोग 0 रख सकते हैं और 1 रख सकते हैं, अब आप समझ रहे होंगे। जब 5 रखेंगे तो यहाँ क्या रख सकते हो आप, 0, 1, 2, तो देखो ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। जब 6 तो ये कहाँ तक जाएगा भाई, 0, 1, 2 तो रख ही सकते हो, अब 3 भी रख सकते हो क्योंकि 6-3 3 होता है, और 3 से ज़्यादा तो रख ही सकते हो, तो पिछले वाले आप रख सकते हो। तो 7 जब रखोगे तो एक और बढ़ा दो, 1, 2, 3, 4, है ना, और 8 जब रखोगे तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5, तो 9th में क्या होगा, 6 तक, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अब देखो यानी कि 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक, 5, 6, 7, यानी कि जो अब हमारा जो फेवरेबल केस है वो कितने, 1+2+3+4+5+6+7, तो ये तो नेचुरल नंबर का सम हो गया। तो इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, तो 7 × 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 4 यानी कि 28, ठीक है। तो यानी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, प्रोबेबिलिटी हुई 28/90।
लेकिन हमें इसको कैसे लिखना होगा ना, पहले इसमें कैंसिल कर देंगे ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसको n माइनस थ्री टाइम्स m लिखेंगे। तो ये तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 14 अपॉन 45। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू है दैट इज़ 14, और जो 45 की वैल्यू है दैट इज़ वो n है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे n माइनस थ्री टाइम्स m करना है। तो यानी कि 45 माइनस थ्री इंटू 14, तो यानी कि 3 आ जाएगा। तो जैसे कि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या आ गया, 3। तो आई होप कि समझ में आया होगा आपको। तो बड़ा ही सिंपल था, इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो आपको बिल्कुल केस आपको इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस, एक बार आप समझ जाओगे कि 3 पे 0 आया, फिर 4 में आपको आइडिया लग गया कि 1 2 3, फिर देख लो आप कितने केस बन रहे, और फिर आप फटाफट इनको ऐड करके जल्दी से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सो नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज अ 5 डिजिट नंबर इज फॉर्म बाय यूजिंग 0 1 2 3 4 एंड 5 विदाउट रिपीटेशन। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इज m%, देन द सम ऑफ डिजिट्स इन m इज। ठीक है, तो देखो एक 5 डिजिट नंबर है और बोला गया कि वो किन डिजिट से बनेगा और उसमें रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर हमें बताना है कि ऐसे नंबर पता करने हैं जो कि 6 से डिवाइड होते हो। ठीक है, और इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो निकल के आती है वो m%, फिर वो आप m निकाल लो तो उसके जो है डिजिट्स पूछे गए कि उनको सम करेंगे तो क्या है। तो ये तो फालतू है, यहाँ तक हम लोग पता करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि m बाई n के फॉर्म में हमारा प्रोबेबिलिटी आता है बेसिकली। यहाँ पे हम कुछ और बोल देते हैं इसको, m1 अपॉन n1 के फॉर्म में m यहाँ दिया गया। तो अब एक बात सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन डिजिट्स की हेल्प से हम लोग कितने 5 डिजिट नंबर बना सकते हैं, तो वो हमारा पूरा सैम्पल स्पेस होगा ना, क्योंकि नीचे क्या लिखते हैं हम लोग, टोटल सैम्पल स्पेस, और ऊपर फेवरेबल वाले इवेंट्स है ना। तो सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो 5 यानी 3 4 5, ये 5 प्लेसेस हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको पता है कि हम 0 तो रख नहीं सकते पहली डिजिट पे, है ना, पहली डिजिट पे 0 नहीं रख सकते, तो कितने रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, 5 वेज से इसको फिल कर सकते हैं हम लोग। तो ये 5 हो गया। अब देखो 0 आप पहले नहीं यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब तो 0 यूज़ कर सकते हैं। एक लेकिन कोई डिजिट गायब हो गई, लेकिन एक नई भी आ गई, तो 5 वेज। अब हर बार क्या होगा, एक एक कम हो जाएगा, तो टोटल जो एन एस है वो क्या आ जाएगा हमारा, बताओ। ये तो 5 फैक्टोरियल है, दैट इज़ 120 120 इंटू 5 600, है ना। तो ये नीचे हमारे 600 आ गया, समझ में आ गई इतनी बात। अब क्या करेंगे, देखो अब नेक्स्ट इज जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये जितने भी 600 नंबर्स बनाए हमने, इसमें से हमको ये पता करना है कि कितने 6 से डिविजिबल है। अब देखो 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 से डिविजिबल और 3 से डिविजिबल होना चाहिए ना, और 2 से डिविजिबिलिटी तो बहुत ही आसान है, वो क्या है, इवन नंबर होना चाहिए, तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन 3 से डिविजिबिलिटी का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है कि जो सम ऑफ डिजिट्स होना चाहिए वो 3 से जो है डिवाइड होना चाहिए। अब हमें क्लियरली पता है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो ये हैं जिनसे हमने अपने डिजिट्स, जिससे अपने हमने ये 5 डिजिट नंबर्स बनाए हैं। अब एक बात देखो कि ये 6 डिजिट्स हैं, ये 6 डिजिट हैं, तो आप क्या करो इन 6 डिजिट का सम ले लो। तो देखो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि 6 प्लस 4 प्लस 15 आ रहा है सम, ठीक है, कितना आ रहा है टोटल सम, 15। लेकिन ये तो 6 डिजिट है, इनमें से कोई एक गायब करना होगा। तो अगर हम 0 हटा दें गाइस, तो 1 2 3 4 5 से बनाएंगे तो हमेशा सम 15 आएगा। तो ये इनसे जिनको भी बनाएंगे उससे क्या होगा कि वो हमेशा 3 से डिविजिबल रहेगा, क्योंकि सम हमेशा क्या आएगा, 15 आएगा।
समझ में आ रही बात? देखो अगर हम जीरो हटा दें तब भी तो सम 15 रहेगा, तो ये 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये जितने भी नंबर हम इससे बनाएंगे 1 2 3 4 5 डिजिट्स को लेकर, वो सारे 3 से डिविजिबल होंगे। तो पहले हम पता कर लेंगे कि कितने नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल है। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब और क्या कर सकते हैं हम लोग, और कैसे निकाल सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो कि, और कौन सी डिजिट मतलब यहाँ से हटा दें हम लोग। ठीक है, तो आई थिंक कि अगर हम 3 हटा दें इसमें से और 0 को इंक्लूड कर लें तो 12 सम आ जाएगा, है ना। 3 हटा दें अगर तो 0 + 1 + 2 + 4 + 5 ये 12 आएगा। तो एक टाइप के नंबर्स ये बना सकते हैं कि 0, 1, 2, 4 और 5, तो इसमें से 3 के मल्टीपल ही हटा सकते हैं, तभी 3 की टेबल में आएगा, है ना। तो अब हम 1 नहीं हटा सकते क्योंकि फिर 14 आ जाएगा, हम 2 नहीं हटा सकते नहीं तो 13 आ जाएगा, हम 4 नहीं हटा सकते नहीं 11 आ जाएगा, हम 5 नहीं हटा सकते नहीं तो 10 आ जाएगा। मतलब बाकी कोई केस बन नहीं सकता है जिसमें से ये 3 से डिविजिबल हो। तो क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले अब यानी कि हमें क्या करना है, एक तो डिजिट्स बनानी है यहाँ पर किन से, 0 को हटा दिया हम लोगों ने यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5। तो अब हमें पता चल गया कि आखिर अगर हम इनमें से बनाएंगे तो हमको 3 से डिविजिबल मिलेगा, कितने भी बनते हो सब 3 से डिविजिबल। इनमें से बनाएंगे तब भी हमें 3 की डिविजिबिलिटी मिल जाएगी। तो अब हमें तो पता ही है कि 3 के डिविजिबल हम उसमें से क्या देखेंगे, जो 2 से डिविजिबल हो, क्योंकि 3 से तो है ही है, 2 से हो जाएंगे तो क्या होगा, 6 से हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम पता करेंगे टोटल नंबर जो कि 2 से डिविजिबल। अब देखो 2 से डिविजिबल होने के लिए 5 प्लेसेस बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 1 2 3 4 5। पहला केस जब हमारे पास डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, तो अब ये इवन हो उसके लिए क्या होना चाहिए, 2 और 4 आना चाहिए आखिरी वाली डिजिट पे। तो इसे हम दो तरीके से फिल कर सकते हैं, या तो हम 2 रख सकते हैं या तो हम 4 रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर है तो सबसे पहले हम इसी को फिल करेंगे। अब आप ध्यान दो कि इनमें से कोई एक डिजिट यूज़ हो गई तो अब हमारे पास कितनी डिजिट बची है, 4। बाकी आप जानते हो कि 3 2 1 कर दो तो 4 3 12 2 24 2 48 केसेस यहाँ पर आ गए जो कि 6 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये 48 आ गया है। अब एक और केस है जिसमें 0 1 2 4 5 इनको लेकर हम अपने बनाएंगे, तो अब इसको कर लेते हैं, इसको रब कर देते हैं, ये वाला केस आप समझ गए हो। अब क्योंकि इसमें 0 भी इंक्लूडेड है, तो जब भी 0 इंक्लूडेड रहते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, केस ऐसे बनाते जो 0 वाला हो, और फिर ऐसे केस बनाते हैं जिसमें बाकी के नंबर हों। ठीक है, तो हम ऐसे इवन नंबर देखेंगे जिनमें 0 आ रहा हो, तो 0 तो आपको यहीं रखना पड़ेगा फिर। ठीक है, 0 को हमने यहाँ रख दिया तो ये इवन हो गया। अब देख लो कितने डिजिट्स बन रहे होंगे, बाकी कितने नंबर बन रहे होंगे, तो 0 तो यहाँ पे यूज़ ही हो गया, तो पहली डिजिट में 4 प्लेसेस, फिर एक एक कम हो जाएगी 3 2 1, तो 4 3 12 2 24 केस और आ गए। ठीक है, दिस इज 24 केस। अब क्या करो, अब 0 को हटाओ, अब 2 और 4 रख सकते हैं इसमें तब भी तो इवन रहेगा, तो 0 हटा दो यहाँ से, तो कितने 2 और 4 यहाँ। ठीक है, अब 0 आप पहली पोजीशन पे नहीं रख सकते हो, तो कितने रिस्ट्रिक्शन हो गए, एक तो 2 और 4 में से एक को नहीं रख सकते क्योंकि 2 तो यहाँ ही मान लो यूज़ हो गया, तो 2 यहाँ नहीं रख सकते आप, 0 भी नहीं रख सकते, तो कितने चीज़ें बची हैं आपके पास रखने के, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 तरीके से। अब लेकिन आप 0 यूज़ कर सकते हो तो और एक बार 3, बाकी 2 और 1। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 2 हुआ, तो कितने हो गए, देखो 9 2 18 2 36, है ना, 9 2 18 2 36 केस हुए। एक बार फिर से आप देख लो, हमने क्या किया, पहले वाले केस में 0 ले लिया था आखिरी में, फिर बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, आराम से हो गया। लेकिन इस बार हमने 0 आखिरी में नहीं लिया है, हमने इवेंट बनाने के लिए 2 या 4 लिया है, तो वो दो तरीके से हुआ। ठीक है, तो अब दो में से कोई एक ही यहाँ ले सकते हैं हम लोग, एक तो यूज़ कर चुके और 0 नहीं ले सकते, तो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते, 1 ले सकते, मान लो हमने 2 यूज़ कर लिया तो 4 और 5, इसलिए 3 लिखा है। अब नेक्स्ट टाइम 0 हमारे हाथ में आ गया
और मान लो कोई दो डिजिट तो यहाँ से गायब ही हो गई, दो, तो कितने बचते हैं हमारे पास, थ्री, है ना, इसलिए थ्री टू वन, तो समझ में आ गई होगी बात। तो एट नाइन टू एटीन टू जा 36 केसेस, तो टोटल कितने हो गए, ये सारे ऐड करोगे आप तो ये हो गए 108, तो ये फेवरेबल है हमारे, तो ये कितना हो गया भाई 108/600, ये हमारा टोटल परसेंटेज है, ठीक है। अभी इसको क्या करना पड़ेगा, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परसेंटेज निकालने के लिए, यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 1 जा 6, ठीक है, और कितना आ गया 48, 6 8 जा 48, यानी कि m की वैल्यू आई है 18%। अब यहाँ पे हमसे बोल रहे हैं कि सम ऑफ डिजिट्स बताओ इसकी, तो 1 और 8 को आप ऐड कर दो, कितना आंसर आ जाएगा आपका 9, ठीक है। तो इस तरीके से सम ऑफ डिजिट्स 9 आ गई, तो समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। So let's solve this question, that is the fourth question. So question kya hai, I have three normal dyes, one red, one blue and one green. ठीक है, तो तीन हमारे पास dyes है, एक red color की, एक blue color की और एक green की। आपको पता है dyes में 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है। And I roll all three simultaneously, एक साथ हम तीनों को roll कर रहे हैं। Let P be the probability that the sum of the numbers on red and blue is equal to the green. तो रेड और ब्लू में जितने नंबर आए ना उनको ऐड कर दोगे आप, तो वही ग्रीन में आना चाहिए, ठीक है। इफ पी इज रिटन इन द लोएस्ट टर्म एज ए बाई बी, देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए प्लस बी। तो ये फालतू है क्वेश्चन हमारा, यहीं तक है कि यानी कि अब देखो, अब आप केस बनाओ कि ग्रीन में देखो, तुम्हें पता है कि ग्रीन में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम बोलते कि ग्रीन में 1 आया, तो रेड और ब्लू में 1 कैसे आ सकता है, सम 0 और 1, लेकिन 0 आता है क्या, तो 0 तो आता ही नहीं, तो इसका मतलब कि 1 के करस्पॉन्डिंग एक भी केस नहीं बन सकता, ठीक है। और ओवरऑल जब हम लोग प्रोबेबिलिटी में आंसर निकालेंगे तो सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 क्यूब, है ना, क्योंकि रेड में 6 आ सकता है, ब्लू में 6 आ सकता है और ग्रीन में 6 आता है, 6 × 6 × 6, तो कितना हो जाएगा नीचे 6, तो वो तो प्रॉब्लम है नहीं, 216 हो जाएगा वो, ठीक है। तो लिख लेते हैं, दैट इज ये 216 हो जाएगा। अब हमें पता करना है कि ऊपर क्या आएगा ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1 नहीं आ सकता है, लेकिन 2 तो आ सकता है, क्यों आ सकता है 2, क्योंकि इधर लिख दो रेड, इधर लिख दो ब्लू, इधर रख दो ग्रीन, तो रेड और ब्लू में 1 1 आ सकता है, तो 1 + 1 2, और तो आई डोंट थिंक कि कोई केस है जिससे आप 2 ला सको, तो एक केस ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 ला सकते हैं, 3 कैसे कैसे आ सकते हैं, 1 2 और 2 1, है ना, ये दो केसेस से 3 बन सकता है, और कोई तरीका है नहीं। 4 लाने के तरीके कितने हैं, 1 3 3 1 और 2 2, ठीक है, 4 आने के, बस अब 5 के लिए और देखना है हमें, 5 कैसे आ सकता है, 1 4 4 1 2 3 3 2, अब क्या है 6 6, कैसे आ सकता है 6 का, इधर लिख लेते हैं ना, 6 के लिए 1 आ जाए, 5 आ जाए, 5 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 4 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 3 आ जाए, ऐसे ही 6 आ सकते हैं। तो टोटल केसेस अब आपके सामने, ये एक केस हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये कितने हो गए देखो 5, तो यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, जिनको सम करेंगे तो 5 × 6/2, विच इज 30/2 15, तो यानी कि हमारे पास है 15, यानी कि 3 × 5 / 6 × 6 × 6, तो 3 × 6, तो 12 × 6 = 72, यानी कि 5/72, तो सम के बारे में बात हुई तो 77, ठीक है। तो 77 जो नंबर है इसमें कितने डिजिट्स हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें 2 है। कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, बाकी उसको इंटीजर टाइप बनाने के लिए न्यूमेरिकल में
हो सकता 77 ही आपको आंसर लिखना पड़े, तो वो सब आप बात की बात है, लेकिन क्वेश्चन कैसे करना है आई थिंक इतना टफ नहीं था, आसान था। केसेस बनाने होते हैं गाइस, तो नॉर्मली आप देख रहे हो कि पीएनसी और प्रोबेबिलिटी आपका दोनों ही यहाँ पे रिवाइज हो रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ टू ऑफ द 64 स्क्वायर्स आर चूजन एट रैंडम ऑन अ चेस बोर्ड देन द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव अ साइड इन कॉमन इज m बाय n इन लोएस्ट टर्म देन द ग्रेटेस्ट डिजिट इन m प्लस n इज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर हम इन 64 स्क्वायर्स में से दो स्क्वायर्स कोई चूज करते हैं, ठीक है, कोई भी चूज कर सकते हैं, जैसे इसको चूज कर लिया, इसको चूज कर लिया, ठीक है, तो हम कितने इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें साइड जो होगी वो कॉमन होगी। ठीक है, जिनको चूज कर रहे हैं, जैसे इसको चूज कर लिया, इसको चूज कर लिया, तो इनमें साइड कॉमन होगी, तो मतलब एक तो टोटल जो हम लोग चूज कर सकते हैं दो स्क्वायर्स यहाँ पर, और दूसरा उसमें से कितने ऐसे हैं जिनमें जो है साइड कॉमन है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस, इसलिए बहुत ध्यान से देखना कि क्या करने जा रहे हैं। तो कई केस बनाएंगे गाइस यहाँ पर, ठीक है, कि कितने साइड कॉमन होते हैं, इस बात का हम लोग जो है यहाँ पे केसेस बनाएंगे। तो अब देखो, अब सबसे पहले हम लोग कोने वाला लेते हैं, अगर हमने कोने वाला ले लिया इसको, तो कितने देखो इसमें कॉमन वाले हमको मिलेंगे स्क्वायर्स, एक ये मिल रहा है और एक किया, यानी कि दो मिल रहे हैं, मिल रहे हैं कि नहीं, दो। तो ऐसे कितने हमारे पास, चार ना, एक देखो ये कोना, एक ये कोने वाला और एक ये कोने वाला, तो चार है हमारे पास। ठीक है, समझ में आ रही बात, तो यानी कि अगर हमें यहाँ पर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, देखो 4C1 सबसे पहले हम लोग चूज करेंगे इन चार में से कोई एक कोने वाला, ठीक है, एक चूज कर लेंगे ऐसे। फिर अगला हम लोग क्या चूज करेंगे, क्योंकि देखो इसके करस्पॉन्डिंग कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जिनमें कॉमन, तो इनमें से हम लोग एक चूज करेंगे, यानी कि 8C1। समझ में आई बात, तो यहाँ पर पहली बार हम लोगों ने चूज किया 4C1/64C1, कोई भी चूज कर सकते थे चार ये, और फिर अगली बार एक चूज कर चुके थे तो 63C1। तो ये पहला केस है, समझ में आई बात, कि पहले हम लोगों ने क्या चूज किया, ये वाले कोने वाले ले रहे हैं, कोने वाले लेने से फ़ायदा क्या हुआ कि कितने हैं ऐसे जो उनके साइड कॉमन है, तो वो आठ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, एक चूज कर लिया, अच्छा एक चूज करेंगे तो हम लोग कोई एक ही चूज कर सकते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग तो दो ही चूज कर सकते हैं, आठ नहीं कर सकते, बात समझ में आई। अगर आपने यहाँ का चूज कर लिया तो क्या आप ये वाला चूज कर सकते हो, नहीं, तो यहाँ पे 8C1 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 2C1। क्या बात समझ में आई है, 8C1 क्यों नहीं होना चाहिए, 8C1 मान लो मैंने इसको चूज किया तो इसके करस्पॉन्डिंग तो दो ही कर सकता हूँ ना मैं, ये थोड़ी ना कर सकता हूँ 3, 4, इसको लूँगा तो कहाँ कॉमन आएगा, समझ में आई बात। तो 4C1/64C1 × 2C1/63C1। अगले कौन से चूज करें, अगला केस देखो, अगला केस मैं बोलता हूँ कि ये वाले चूज करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोने तो ले ही लिए, अब हम लोग ऐसे लेंगे जो ये वाले, ये 3, 4, 5, 6, तो ये कितने हुए, इधर भी 6, इधर भी 6, इधर भी 6, तो ये 24 हो जाएंगे, 6, 12, 18, 24, तो यहाँ पे मैं 24C1 ले। अब इनमें कॉमन देखो, इन वालों को क्यों ले रहे हैं हम लोग, इनमें कितने कॉमन है, अगर मैंने एक को लिया यहाँ से, मान लो इसको लिया, तो देखो ये ले सकता हूँ मैं जिसमें साइड कॉमन है, ये ले सकता हूँ, तीन है, ठीक है, तीन है, पहले वाले में जब लिया तो दो थे, अब इस वाले को लिया है तो 1, 2, 3 कोई भी ले लो आप, ये ले लो ये वाला, तो 1, 2, 1, 2, 3, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये सारे ऐसे वाले हैं जिनमें तीन कॉमन रहते हैं, तो 3C1/64C1। अब कौन से ले ले बताओ, अब कौन से ले लिए जाए, अब ये बीच वाले, ये जिनको नहीं लिया, ये सारे ले चुके हम लोग, ये और ये, अब कोई बीच का ले लें,
तो इनके कितने कॉमन होंगे, 1, 2, 3, 4, लेकिन ये हैं कितने, 36 ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 36 में से कोई एक ले ले पहले हम लोग, और फिर कितने कॉमन वाले हैं, 4, तो 4C1 अपॉन 63C1, NC1 इज N, तो यानी कि अब हम लोग लिख सकते हैं, इनको ऐड कर लें सबको, तो 4C1 4 होता है और 2C1 2, 24C1 24 और 3C1 3 प्लस 36 × 4, नीचे पूरे में हो जाएगा 64 × 63। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 4 कॉमन ले लो सब में, है ना, 4 कॉमन ले लें हम लोग, तो 4 कॉमन ले लें तो बचेगा 2, 6 × 3, 18, 9, 4, 36 अपॉन 64 × 63, तो 4 से कैंसिल करेंगे तो 16 आएगा, ये कितना हुआ, 66, है ना, नहीं 56 अपॉन 16 × 63, आई थिंक 7 से कट जाएगा, 7, 8 जब 56, 9, और लो 8 से भी कट गया ये, तो 1/18 आ गया, ये 1/18 हमारा प्रोबेबिलिटी। अब लेकिन इन्होंने क्वेश्चन पूछा क्योंकि इनको इंटीजर टाइप पूछना है, तो क्या बोल रहे हैं कि m by n के फॉर्म में ले और लोएस्ट यानी काट पीट के, देन द ग्रेटेस्ट डिजिट इन m प्लस n, तो m प्लस n हो गया 19 और इसमें जो सबसे बड़ी डिजिट है वो क्या है, 9। तो देखो कैसे कैसे वो लोग इंटीजर बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट चेस बोर्ड का समझ में आया होगा। एंड गाइस, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस मिलें प्रोबेबिलिटी में, बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज अब यहाँ पे क्वेश्चंस बन रहे हैं गाइस, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है JEE मेंस और JEE एडवांस दोनों की प्रिपरेशन में। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।